Hi, hello, namaskar. Welcome back to my channel KJ's World. Hope you all are doing good and safe at your home and wish you all a happy Navratri. सो गाइज, जैसे आप सबको तो टाइटल से मालूम हो चुका होगा कि आज हम बनाने वाले हैं ढोकला, और जो कि हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक केटल में, एंड बहुत ही इजी टेस्टी यमी भी होने वाला है और क्विक सा भी होने वाला है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम हम यूज कर रहे हैं। एंड इफ आप मेरे चैनल में न्यू है, अब मेरा फर्स्ट वीडियो जो कि था कि हम इलेक्ट्रिक केटल में कैसे केक बनाएंगे, अगर वो वीडियो आप अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। एंड चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट सबके लिए है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीवन, एंड शो योर लव एंड सपोर्ट टू मी एंड माय चैनल। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हमको ढोकला बनाने के लिए इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या चाहिए। बेसन और लिटिल बिट ऑफ हल्दी, अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्किप इट, क्योंकि मैं अभी घर में हूं तो इसलिए मैं हल्दी ऐड कर रही हूं। इनो, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, और ये हाफ लेमन, क्योंकि हम छोटा सा ढोकला बनाएंगे तो इतना लेमन में हम लोगों का आराम से हो जाएगा, और शुगर, और एक स्टील का ग्लास, क्योंकि स्टील का ग्लास थोड़ा सेफ रहता है और अच्छा सा भी अच्छे से भी बन जाता है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक केटल यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक केटल तो हीरो है हम लोगों का जो रेसिपी के लिए, क्योंकि हम इसमें ही बनाएंगे, और ये मैं प्रेस्टीज का इलेक्ट्रिक केटल यूज कर रही हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोगों का। फ्रेंड्स, चलिए हम लोगों का सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या है, पहले हमको नींबू पानी बनाना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, ए सिंपल लेमन वाटर। तो नींबू पानी बनाने के लिए, जैसे देख सकते हैं ये स्टील ग्लास में मैं हाफ से भी कम पानी ली हूं। अभी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, और फिर ये जो नींबू आप देख रहे हैं, और ये नींबू, हाफ नींबू को पूरा इसमें डाल देंगे। एक्सक्यूज मी, इसको मैं निकाल लेती हूं। सॉल्ट ऐड करेंगे, टेस्टी टेस्टी लेमन वाटर इज रेडी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो हम लोगों का लेमन वाटर में शुगर डिजोल्व कैसे होगा। तो चलिए, मैं नींबू पानी रेडी करती हूँ, पीने के लिए नहीं, ढोकला बनाने के लिए। सो गाइज, हम लोगों का जो नींबू पानी है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लग रहा है और रिफ्रेशिंग लग रहा है, पर हम बाद में करके पियेंगे, अभी चलिए ढोकला बनाते हैं। तो सब देख सकते हैं, मैं इसमें ये जो नींबू पानी बनाया है इसको स्लो स्लो डालेंगे, लाइक बैच बैच। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको कंटिन्यूअसली लाइक इसे मिक्स करना है, नहीं तो लम्स हो जाएंगे, और स्लोली स्लोली भी डालेंगे पानी, लाइक नींबू पानी। और सो हियर वी गो, ये रेडी हो गया है। अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ कि कैसा हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। यू कैन सी गाइस, लाइक ऐसा चाहिए हमको, जैसे देख सकते हैं, इतना थिक भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पतला से भी थोड़ा बस थिक है, बट बिल्कुल भी मोटा या थिक नहीं करेंगे, जितना पतला लाइट रखेंगे उतना अच्छा है। अभी चलिए इसको 5 मिनट के लिए मिक्स करते हैं। सो गाइज, देखिए यहाँ पे जो बैटर है वो रेडी हो चुका है, लाइक नॉट फॉर कुकिंग, लाइक जो मिक्स करना था वो 5 मिनट से हम मिक्स कर रहे हैं, वो रेडी हो गया है, और वो टाइम में मैं ये जो केटल है इसको हीट कर चुकी हूँ, लाइक पानी डाल के पानी उबालने में छोड़ दी हूँ। और एक बात है, मैं जो बोलती हूँ कि बिफोर, लाइक अगर आप जो भी ग्लास या कुछ भी कटोरी कुछ भी यूज कर रहे हैं केटल में, उसको पहले ना अंदर डाल के देख लो, चेक कर लो कि उसका साइज परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि आप इसमें अगर पोर कर देंगे वंस और इसके अंदर नहीं घुस रहा है ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा है, सेफ है, बंद करते टाइम बस ये सब चेक कर लेना, थोड़ा सेफ रहेगा।
तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो बैटर है इसमें इनो ऐड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें इनो ऐड करेंगे, और एक है इनो का फुल पैकेट हमको नहीं डालना है, बस कुछ ही लाइक मैं हाथ में निकाल के आपको दिखा देती हूँ कितना हमको इनो डालना है। इतना और मींस लाइक ये पैकेट में जितना है ना, हम उसमें से 20% जो है इनो इसमें डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा ढोकला हम लोग बना रहे हैं। चलिए इसको तुरंत ही हमको मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूल गया हम लोगों का जो बैटर। अभी चलिए इसको ग्लास में ट्रांसफर करते हैं। आप देख सकते हैं अभी इसका कंसिस्टेंसी कैसे हो गया है। और एक चीज है, जब हम ग्लास को केटल के अंदर डालेंगे तो केटल को ऑफ करके डालेंगे, ऑन करके बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो हाथ जल जाएगा। है हम लोगों का ग्लास में ये जो ढोकला है फिल हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हम लोगों का जो केटल है अभी इसका अंदर हम ये ग्लास को डालेंगे। आप देख सकते हैं पानी ज्यादा नहीं लेंगे, बस कम ही लेंगे। अंदर मैं ऐसे देख सकते हैं, अंदर ग्लास को प्लेस कर चुकी हूं, अभी बंद कर देते हैं। और एक छोटा सा टिप है कि कपड़ा लाइक कॉटन का कुछ भी आपके पास जो भी हो, लाइक इसका जो फेस है ना, लाइट सा हम बंद करेंगे, लाइक फुल्ली आपको बंद नहीं करना है, लाइक 20% लाइक ऐसे धुआं बाहर आएगा, पर फुल्ली इसको बंद नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही बंद करना है, जैसे 80% स्टीम एटलीस्ट उसका अंदर होना चाहिए। बस थोड़ा सा मैं बंद कर रही हूँ। अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं और 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट्स के बाद चेक करेंगे कुक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए ऑन कर लेते हैं इसको। अभी मैं आपको 10 मिनट्स के बाद मिलती हूँ। वेटिंग पीरियड इज ओवर, लाइक हम लोग इसको रेस्टिंग में आराम से 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिए थे, और मैं नाइफ की हेल्प से इसका जो साइड है इसको भी एक बार ऐसे ही चला ली थी। अभी हम इसको डीमोल्ड करते हैं। स्टील ये थोड़ा गर्म है, आप देख सकते हैं कितना आराम से ये निकल आया है, और हम लोग ग्लास में जो है ऑयल या कुछ भी यूज नहीं किए थे, कितना अच्छे से ये निकल आया है। और आप इसका सॉफ्टनेस, अभी आप इसका सॉफ्टनेस जो है वो देख सकते हैं। चलिए इसको कट करते हैं। इट्स सुपर यमी एंड टेस्टी एंड सॉफ्ट टू, प्लीज गो एंड ट्राई इट राइट नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आशा करती हूँ ये वीडियो सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल डेफिनेटली तो लगा होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव एंड एवरीवन, एंड स्प्रेड लव, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। I will see you all in my next video. Till then, bye bye.